दतिया में दहेज पीड़ित महिला ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पुरानी कलेक्ट्रेट पहुंचकर एएसपी आरडी प्रजापति से आदतन दहेज लोभी ससुराल जन आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पीड़िता ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी प्रजापति को बताया कि उसका विवाह वर्ष 2017 में 5 मई को पंचशील नगर निवासी आलोक पाल से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था, जिसमें परिवारजनों ने अपने सामर्थ्य पूर्वक 10 लाख रुपए तक की शादी की थी। शादी के बाद से ही दहेज लोभी ससुराल वाले पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे, जिसमें पति आलोक पाल, ससुर श्याम लाल पाल, सास रमावती बाल दहेज की मांग करते हुए महिला से चार पहिया डस्टर गाड़ी की मांग कर रहे थे। महिला ने आरोप लगाया कि मांग को पूरा करने में असमर्थता जाहिर करते हुए पीड़ित महिला ने मना किया, तो इस पर पति व अन्य ने बीते 8 अप्रैल 2019 को पीड़ित महिला से लेजम एवं चाकू से मारपीट की थी तथा मिट्टी का तेल डालकर जान से मारने का प्रयास किया था। मेरे हस्बैंड और मेरे सासुर को उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, और उन लोगों को वारंट जारी नहीं हो चुके हैं, और उन लोगों के कितनी जो उनके लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ धमकी भी दे रहे हैं, मारपीट कर उनके बोल रहे हैं कि राजमना करो उनका, मतलब धमकी दे रहा है, मारपीट करने की धमकी दे रहा है। घटना में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी गण दहेज पीड़िता एवं उसके परिवारजनों पर राजीनामा करने के लिए दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे परेशान दहेज पीड़िता एवं परिवारजनों ने एएसपी से मुलाकात की। पंचशील नगर में श्यामलाल दीवानजी हैं बघेल साहब, उनके लड़का आलोक बघेल के को शादी हुई थी, वो भी पूरी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, जिसमें हमने तकरीबन 10 लाख रुपये की शादी की, फिर भी उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं हुई। शादी कुछ दिन बाद मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रताड़ित करने लगे मेरे घर, और बार बार दफ्तर चार भैया गाड़ी की मांग करने लगे। जब दफ्तर चार भैया की गाड़ी मांग के लिए हम उनसे बार बार पूरा परिवार सहित, मतलब सारे भारी भाई बहन माता पिता सब लोग आए, निवेदन करते रहे, बार बार इधर उधर बुलाया, उन्हें सब प्रकार से निवेदन किया, वो नहीं माने। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पहले भी एक शादी की थी जिसे छुपाया गया। इस मामले में पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज़, दतिया।